शिवार में तो आपने बहुत तरंग खाए होंगे, आज हम आए फ्लैटों पे। फ्लैटों पे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म का शिवारमा लगता है, तो फिर चलते हैं भाई के पास। तो भैया एक शिवारमा लगा के दिखाएं हमें। सबसे पहले आ गई है ब्रेड, तो अब ये कुकिंग ऑयल के साथ इसको सेकेंगे। बड़ा ही साफ़ सुथरा इनका माहौल बना हुआ, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हर चीज़ जो है वो पड़ी हुई है। इस तरह के बहुत काम ही मिलती है हाइजीनिक चीज़ें। तो भाई शॉप को कितनी देर हो गई आपकी? को भाई हो गए हैं 3 साल। हो गए 3 साल हो गए हैं, बड़ी बात है 3 साल से ये शॉप चल रही है। ये ब्रेड के ऊपर ब्राउनिश लुक आनी शुरू हो गई है, हमारी ब्रेड ऑलमोस्ट डन होने वाली है। ब्रेड हमारी हो गई है तैयार, अब इनको हिलाने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है भाई का। ब्रेड हो गई बहुत अच्छी तरीके से सेक चुकी है, अब आ रहे हैं चिकन। चिकन बड़ा मसालेदार लग रहा है, ये इस पर कौन कौन से मसाले लगाए हैं आपने? ये भाई हमारी अपनी है रेसिपी। वाह बड़ी सीक्रेट रेसिपी है इसके अंदर। वैसे ये दड़ा मिर्च नज़र आ रही है और काफ़ी मसाले डिफरेंट किस्म के नज़र आ रही है, तो अब खाने से ही पता चलेगा इसमें क्या टेस्ट आता है। तो डालेंगे वेजी, वेजी में अब ये पहले है इसका शिमला मिर्च, उसके बाद शिमला मिर्च के साथ है अब ये अनियन कटे हुए इन्होंने। वाह वाह, अब तो ये मशीन की तरह फुल ही इसको बरी बरी कर दिया गया है। भाई पूरे फनकार हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं, सेक रहे हैं। चिकन में ही हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। भाई अब ये क्या चीज़ है? हमारी स्पेशल सॉस है, स्पेशल सॉस है इनकी। और ये शवारमे को ब्रेड के ऊपर लगा दी गई है। ये क्या है? भाई हमारी आइसबर्ग है। आइसबर्ग है, अच्छा आइसबर्ग यूज़ होती है शवारमे में। बहुत कम लोग हैं जो आइसबर्ग शवारमे में यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा पूरी मार्केट में नहीं होती, सिर्फ आप ही यूज़ करते हैं इस चीज़ को, बड़ी बात है भाई को। ये आ गई हमारी आइसबर्ग, भाई का एक स्टाइल बहुत अलग सी है। एक बार दोबारा, ये एक स्टाइल है। चलो तो चिकन भी हमारा रेडी हो गया, तो चिकन भी आ गया इसके ऊपर शवारमी ब्रेड के ऊपर। भैया आपकी टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? शॉप की हमारी 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, 5 से रात 1 बजे तक ही ओपन रहती है। काफ़ी हैवी क्वांटिटी का चिकन डाल रहे हैं। भाई प्राइस क्या है इस शवारमे की? इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में शवारमा मिलेगा ये आपको, बहुत ही मसालेदार। तो ये उसके ऊपर एक फिर इनकी जो अपनी मैजिक सॉस जो इन्होंने बनाई हुई है वो आएगी दोबारा फिर। अब आ गया शवारमा बटर पेपर के ऊपर, तो अब बटर पेपर के साथ इसको रैप किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये रैप हो गया, और ये साथ एक इनकी अपनी एक मैजिक मैजिशियन लगती है मुझे तो भाई को। ये हमारा शवारमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। नहीं इधर ही हम टेस्ट करेंगे। तो शवारमा हमारा हो गया है रेडी और इसको ट्रे में लगा दिया गया है। अब इसमें ये हमें साथ सर्व करेंगे ये सॉस अपनी, और इनकी मैजिक सॉस है कोई, और साथ में ये
ये क्या चीज़? अच्छा ये तीन चार किस्म की ना सॉस के अंदर हमारे सॉस डली हुई। ठीक है यार, मैं इधर आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये क्या यूज़ करते हैं? मिचल्स की है, ये गार्लिक सॉस यूज़ करते हैं, चिली गार्लिक सॉस जो मिचल्स की यूज़ कर रहे हैं। जो ये साथ का ये विनीगर पड़ा हुआ है, कोई रेड विनीगर फ्लेवर, अच्छी कंपनी का लग रहा है मुझे। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, फिर उनको भाई को रिव्यू को देते हैं। तो अब हम आपको दिखा देते हैं, ये इसके अंदर चिकन काफ़ी हैवी क्वांटिटी के साथ है। अब इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले मैं बाइट लेता हूँ एक इनकी मायोनीज के साथ। काफ़ी स्पाइसी और रखा है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, बहुत एक अलग सा यूनिक सा टेस्ट है। कभी जगह से मैं शवारमे खाए हैं, लेकिन जो इस तरह का टेस्ट है वो कहीं पे भी नहीं मिला। अब एक दूसरी बाइट लेते हैं हम इसके साथ, इनकी जो है ये दूसरी सॉस है कोई। भाई मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ ये शवारमा। तो भाई ये आपकी लोकेशन क्या है? ये गुलशा कॉलोनी के अंदर, ये सामने मस्जिद है, मिलाजो कुरान की मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट उनकी शॉप है। तो आप लाजमी यहाँ पे आएँ और इसको टेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की नई और डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।